टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है। यानी वो पीछे नहीं हट रहे हैं, बार बार नकल उतार रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान फिर उपराष्ट्रपति का दोबारा अपमान कर डाला और एक बार फिर से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते दिखाई दिए और ये वीडियो भी एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है। संबोधन के दौरान कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए इसे अपना मौलिक अधिकार करार दिया और इसी के साथ साफ तौर पर यह भी कहा कि वो एक बार नहीं बल्कि हजार बार इसी तरह से मिमिक्री करेंगे। देखिए ये वो वीडियो है जो अब फिर से वायरल हो रहा है, कल्याण बनर्जी का वीडियो। जब पहली बार मिमिक्री की थी तब भी आम से लेकर हर खास ने कहा था कि इस तरह की मिमिक्री करना, वो भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जो कि एक बड़े संवैधानिक पद पर है, और दोबारा से वही गलती। प्रशांत, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एक ऐसे ही कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे कल्याण बनर्जी और पोस्टर लगा हुआ था ममता बनर्जी की जिसमें तस्वीर लगी हुई है। लेकिन खास बात यह कि जिस तरह से संसद भवन के द्वार पर कई और विपक्षी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति की वो मिमिक्री कर रहे थे, वैसा ही एक बार करते हुए और दिखाई दिया। और ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसा कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। 19 दिसंबर को भी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के बाहर सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी ऐसी हरकत करते दिखाई दी और इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल करने लगे। वहीं इस दौरान कई दूसरे सांसद हंसते हुए खिलखिलाते हुए भी नजर आए, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते हुए देखे गए। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक बार फिर से अपनी वही हरकत दोहराते दिखे कल्याण बनर्जी। तो कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का यह मामला जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। मैं 1000 बार करूंगा। अब उनकी राजनीति का यही स्तर है तो राहुल गांधी क्यों चुप है? राहुल गांधी चुप है, ममता चुप है, देश जनता जवाब देगी, मैं भरोसा करता हूँ। एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कल्याण बनर्जी का समर्थन कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामले को जबरदस्ती जबरन तूल दिया जा रहा है। नहीं लगता कि कोई किसी को अपशब्द इसके अंदर कह रहा है। मैं नहीं समझता कि क्यों इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है बात। देखिए ये तो उनका अपना मामला है, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई अपशब्द कहीं पे कहे जा रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर सीधे निशाना साधा है। सुकांता मजुमदार ने कहा कि कल्याण बनर्जी की हरकतों से यह साबित होता है कि वो सांसद बनने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं है। देखिए मिमिक्री तो आर्ट है, लेकिन वो आर्ट करने की जगह लोकसभा नहीं है। आपको अगर मिमिक्री करना है तो कपिल शर्मा शो में जाइए, या बंगाल में मिराकल बोल के एक कॉमेडी शो होता है उसमें भी जा सकते हैं। बाकी जो चैनलों में कॉमेडी शोज होते हैं उसमें जाना चाहिए उनको। लेकिन लोकसभा के सीरियो के ऊपर बैठ के, अगर आपके दिमागी हालत ऐसा है कि आप लोकसभा के सीरियो के ऊपर बैठ के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है एक सांसद बनने के लिए। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों इतनी तेजी के साथ तूल पकड़ता चला गया ये भी बताते हैं, और इसके पीछे की वजह से क्यों सियासी बवाल भी मचा हुआ है ये भी आप तफसील से दरअसल जान लीजिए। दरअसल उपराष्ट्रपति का फिर अपमान यहां पर किया गया है। कैसे किया गया ये आपको बताते हैं। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की फिर से मिमिक्री की है, संबोधित कर रहे थे और देखिए फिर मिमिक्री करने लगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो दोबारा बार बार करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार फिर से नकल उतारी है, एक बार फिर से ये एक्टिंग की है और इसका वीडियो वायरल हुआ और नकल उतारने को अपना मौलिक अधिकार बताया। उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं है, मैं एक बार नहीं बार बार करूंगा और ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मैं नकल उतार रहा हूं तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, यानी कि मैं हिंदुस्तान का हूं और मौलिक अधिकार के तौर पर मुझे ये अधिकार मिला है। 19 दिसंबर को संसद के बाहर भी याद होगा आपको कि कल्याण बनर्जी ने किस तरह से मिमिक्री की थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तब भी खूब किरकिरी उनकी हुई थी, लेकिन फिर से वो दोबारा उसी ट्रैक पर पहुंच गए हैं।